तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आई वेब टीम, इंटीग्रेटेड वर्क एक्टिविटी प्लान टीम कौन सी होती है, उसका क्या काम होता है, उसके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे। तो सबसे पहले क्या है कि इंश्योरिंग द एसेट ओनर्स एचएससी ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड। जो भी आपने काम करना है उसको लेकर हेल्थ एंड सेफ्टी इन्वायरमेंट के ऑब्जेक्टिव एसेट ओनर के उसके एरिया में जहाँ पे काम होना है अचीव किया जा सकें। दूसरा, बैलेंस बिटवीन मेंटेनेंस एंड ऑपरेशनल ऑफ प्लांट। हमने जो एरिया की मेंटेनेंस करनी है और जो प्रोसेस एरिया है उसको हमने किस तरह अफेक्ट होने से इंटरलिंक करके सेफ वे में उसको कंट्रोल करना है। तो बेसिकली इसका पर्पस क्या होगा कि जो भी हमने काम करना है उसको हमने किस तरह से प्लान करना है, उसके हेल्थ एंड सेफ्टी एस्पेक्ट को हमने कैसे कंट्रोल करना है, उसकी अफेक्टिव एग्जीक्यूशन कैसे करवानी है और इस तमाम डिसिप्लिन को हमने सेफली कैसे परफॉर्म करना है। आई वेब टीम में कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व होंगी, तो इसमें सबसे पहले एसेट ओनर या एसेट ओनर का रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है। जिस एरिया में, जिस यूनिट में, जिस प्लांट में काम करना है उस प्लांट का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। फिर परमिट टू वर्क कोऑर्डिनेटर, जिन्होंने परमिट टू वर्क बनाने हैं एज पर WCC, कौन सा परमिट किस कैटेगरी के लिए होगा, कौन सी सर्टिफिकेशन हमें चाहिए होगी, FRA को बनाना, उसको अप्रूव कराना, दैन JSA लेवल 2 या JSA लेवल 1 की जस्टिफिकेशन, उसके बाद क्या क्या चीज़ें उसके अंदर कवर होने चाहिए, क्या कंट्रोल मेजर्स होंगे, ये तमाम चीज़ें। उसके बाद प्लानिंग, हमने काम को करना कैसे, हमारा वर्क प्लान क्या होगा, एंड परफॉर्मिंग डिसिप्लिन, काम एग्जीक्यूट करते हुए हमें ऑन फील्ड क्या क्या चीज़ें मोनिटर करनी पड़ेंगी, क्या क्या चीज़ें कंट्रोल करनी पड़ेंगी, क्या क्या चीज़ें इंश्योर करनी पड़ेंगी। तो आई वेब टीम का बेसिकली पर्पस काम को सेफ वे में एग्जीक्यूट करवाना जिससे आपका नॉर्मल ऑपरेशन अफेक्ट ना हो। एट द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ आई वेब एंड टीम विल बी कंसिडर्ड ऑन दीज 4 मेजर पार्टिसिपेंट विच आर एसेट ओनर, BTW कोऑर्डिनेटर, प्लानिंग रिप्रेजेंटेटिव एंड परफॉर्मिंग डिसिप्लिन। तो ये 4 लोग होंगे जिन पे आई वेब टीम काम करेगी। अगर इस स्लाइड का कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद वीडियोस के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया।